पहले तो ये 5 सीक्रेट ट्रिक जिसके बारे में आप नहीं जानते होंगे, और अगर आपकी जी आपको टाइम पे रिप्लाई नहीं करती तो लास्ट वाला ट्रिक आपके लिए बेस्ट है। वीडियो को बिना स्किप यहाँ पे एंड तक देखना ताकि कोई भी ट्रिक आप यहाँ पे मिस ना कर लो। ट्रिक बताने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ट्रिक नंबर 1, इस ट्रिक के जरिए आप किसी को भी यहाँ पे साइलेंटली यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा। तो सिंपल से यहाँ पे कोई भी मैसेज यहाँ पे सेंड करने से पहले आपको यहाँ पे स्लैश टाइप करना है, इसके बाद यहाँ पे साइलेंट टाइप करना है, इसके बाद यहाँ पे स्पेस छोड़ना है, और इसके बाद यहाँ पे जो भी मैसेज करना चाहते हैं वो यहाँ पे टाइप कर लीजिए और उसके बाद सेंड कर दीजिए। इससे यहाँ पे सामने वाले को नोटिफिकेशन ही नहीं जाएगा। अगर वो यहाँ पे चैट के अंदर जाके देखेगा तो ही उनको पता चलेगा कि आपने उसको मैसेज किया है, अदरवाइज उनको यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। ट्रिक नंबर 2, तो जैसे आपको पता ही होगा कि इंस्टाग्राम के अंदर कोई भी फीचर ऐसा नहीं है जिससे आप अपनी चैट को हाइड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊं जिससे आप अपनी चैट को यहाँ पे हाइड कर पाएंगे। साथ में उस चैट के अंदर जो भी फोटो वीडियो मैसेज है वो डिलीट भी नहीं होगा। तो सिंपल से आपको जिस चैट को यहाँ पे हाइड करना है उस चैट के अंदर आ जाना है, और यहाँ पे अकाउंट नेम पे क्लिक करना है। नीचे आपको प्राइवेसी एंड सेफ्टी देखने को मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे नीचे आपको देखने को मिलेगा रिस्ट्रिक्ट नाम का एक ऑप्शन, तो सिंपल से इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये रिस्ट्रिक्ट हो चुका है। तो सिंपल से आपकी जो चैट लिस्ट है वहाँ से ये चैट यहाँ पे हाइड हो चुका है, यानी कि रिस्ट्रिक्ट हो चुका है। अब ये सेफ तो है लेकिन ये किसी को दिखेगा नहीं। जब तक यहाँ पे आप इसको अनरिस्ट्रिक्ट नहीं करते तब तक ये यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट के अंदर ही रहेगा और आपका जो चैट है वो हाइड ही रहेगा। और इसको अगर आपको निकालना है तो सिंपल सा उसका जो यूजर नेम है वो आपको यहाँ पे सर्च करना है। सर्च करने के बाद उसके अंदर जाइए और वहाँ पे अनरिस्ट्रिक्ट कर दिए तो ये चैट वापस से आ जाएगा और सारे फोटो वीडियो मैसेज वहीं पे वही रहेंगे। और हाँ, वीडियो के लास्ट में आपको एक बोनस ट्रिक के बारे में बताने वाला जो कि आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे। ट्रिक नंबर 3, आप अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर म्यूजिक लगा सकते हो। कैसे? तो सिंपल से यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे एडिट प्रोफाइल में जाइए और यहाँ पे आपको म्यूजिक का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करके यहाँ से म्यूजिक सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे म्यूजिक को सेट करके यहाँ पे डन कर दीजिए। अब यहाँ पे अपने प्रोफाइल के ऊपर म्यूजिक लग चुका है जिससे यहाँ पे अपने दोस्तों के बीच अपनी प्रोफाइल की वाइब्स यहाँ पे पता चलेंगी। ट्रिक नंबर 4, अगर आप चाहते कि आपकी जेब के आपके सारे मैसेज आप देख लो लेकिन उनको पता ना चले कि आपने सेंड किया है या नहीं, तो इस ट्रिक को यूज कर सकते हो। तो सिंपल से उस चैट के अंदर जाइए, यहाँ पे अकाउंट नेम पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको प्राइवेसी एंड सेफ्टी पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन होगा रीड रिसीप्ट, इसको आपको ऑफ कर देना है और साथ में यहाँ पे नीचे टाइपिंग इंडिकेटर जो लिखा है उसको भी ऑफ कर देना है। अब इससे क्या होगा कि आपकी जेब अगर आपको मैसेज करती है और आप उसको देख लेते तो भी उनको पता नहीं चलेगा कि उनका मैसेज आपने सेंड किया है या नहीं, और साथ में अगर उनको यहाँ पे कोई भी यहाँ पे मैसेज आप टाइप करते तो भी उनको यहाँ पे पता नहीं चलेगा, वहाँ पे टाइपिंग इंडिकेटर यहाँ पे शो ही नहीं होगा। ट्रिक नंबर 5, अगर आपकी जेब आपको टाइम पे रिप्लाई नहीं करती तब तक आप इंस्टाग्राम चैट के अंदर यहाँ पे गेम खेल सकते हो। तो सिंपल सा उस चैट के अंदर यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे कोई भी इमोजी सेंड कर देनी है और उस इमोजी के ऊपर टैप टैप करना है और फिर गेम ओपन हो जाएगा। जब तक बाबू सोना का रिप्लाई जाए तब तक आप गेम खेल लो। और अगर आपको इंस्टाग्राम के अंदर अपना ऑनलाइन को हाइड करना है तो इसके लिए ये वीडियो जरूर देखे। थैंक यू।